हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स पर आप अपनी शायरी वीडियो को बना करके कैसे अपलोड कर सकते हो, शायरी वीडियो को कैसे बना सकते हो, शायरी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो, शायरी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा सकते हो, शायरी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप लगाएंगे उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और शायरी वीडियो को किस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है एडिट करोगे उस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो आप जो है काइन मास्टर एप्लीकेशन से ही जो है अपनी वीडियो को एडिट कीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको काइन मास्टर से ही एडिट करके दिखाऊंगा, वही बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है हमारी वीडियो को एडिट करने के लिए। अब काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर वाटर मार्क आता है अगर हम उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के अंदर आपकी दूर करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदाउट वाटर मार्क एप्लीकेशन काइन मास्टर को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर को कैसे डाउनलोड करना है और वीडियो के अंदर जो म्यूजिक को आप ऐड करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक जो होंगे जिससे हमारी काफ़ी अच्छी शायरी लगती है जब हम उसको सुनते हैं, तो उन म्यूजिक को कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। और बाकी जो मैं इसमें आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि वीडियो को शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कैसे लगाया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम होता है उसको कितना रखना पड़ता है। तो बहुत अच्छी प्रोफेशनल शायरी अगर आप बनाना चाहते हो और उसको अपलोड करना चाहते हो तो बस मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक का देखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे जो है एक प्रोफेशनल शायरी वीडियो हम यहां पर बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो हमने अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को जो है ओपन करके रखा है। इसी तरह से जो है आपको भी जो है अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब यहां पर जो है काइन मास्टर अगर आपके पास में नहीं है, इसको डाउनलोड कैसे करना है विदाउट वाटर मार्क वो मैं आपको जो है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, पहले आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक का देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है डाउनलोड करके जो है अपने काइन मास्टर को ओपन किया, उसके बाद में जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है बीच में प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें जो है आपको ये तीन रेशो दे दिए जाएंगे। अब जो हमारा जो टिकटॉक होता था उसका भी रेशो बीच वाला होता था और इंस्टाग्राम रील्स का जो होता है वो भी बीच वाला ही होता है, तो 9.16 ये वाला रेशो बीच वाला आपको यहाँ से ले लेना है। तो बीच वाला रेशो लेने के बाद में जो है आप यहाँ पर जो है दूसरे वाले पेज पर आप चले जाएंगे। तो मैंने बीच वाले पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी जो गैलरी होगी वो ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर जहाँ भी हमारी वीडियो हमने शूट करके रखी हुई है उस वीडियो को यहाँ से ले लेना है। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो को शूट किया था, उसमें एक शायरी को बोला था, एक शायरी को जो है मैंने यहाँ पर जो है शूट किया था, बनाया था अपनी वीडियो को, तो मैं उसी वीडियो को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं इस वीडियो को अपनी को यहाँ से ले लेता हूँ, इसमें मैंने एक शायरी को बोला था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर अगर आप अपनी वीडियो को बना करके अपलोड करना चाहते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, उसकी जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 सेकंड की वीडियो ही जो है वहाँ पर जो है अपलोड होती है इंस्टाग्राम रील्स पर। तो मैंने यहाँ पर जो है 10 सेकंड के लगभग की कोई अपनी वीडियो को शूट की है और यहाँ पर जो है मैंने इसको बनाया है। अब ये नॉर्मल वीडियो है, इसमें जो है मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह की जो है शायरी को यहाँ पर जो है बोला है, किस तरह की वीडियो मैंने यहाँ पर शूट की है, तो मैं इसको जो है आपको चला करके दिखाता हूँ। कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है, कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है, अरे उससे तो अच्छी आपकी सूरत है। तो आपने जैसे कि इस वीडियो को सुना तो यहाँ पर जो है अभी इसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक मैंने ऐड नहीं किया है, बस अपनी एक वीडियो को शूट किया है। अब इसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए मुझे इसके अंदर ऐड करना होगा बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे डाउनलोड किया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से मिलते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में आपको मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगी और बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड होंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिए। तो अब यहाँ पर जो है मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करूँगा। अब हमें यहाँ पर जो है शुरू में आ जाना है
और ऑडियो के बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो है हमारे सामने जो है हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी म्यूज़िक होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ से जो है हम उस म्यूज़िक को ले लेते हैं जो म्यूज़िक यहाँ पर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने एक म्यूज़िक किया था जो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था और उसी को मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है और उसी को मैं यहाँ से इसको लगा करके दिखाऊंगा। तो मैंने जैसे इस म्यूज़िक पर क्लिक किया और प्लस पर क्लिक किया तो ये म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस म्यूज़िक को मैं यहाँ पर जो है आपको चला करके दिखाऊंगा। बाकी इस म्यूज़िक का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम होता है उसको कितना रखना है, चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो जब हम वीडियो को सुनते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की कितनी आवाज़ हमें रखनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है मैं इसकी आवाज़ फ़िलहाल रख लेता हूँ 50। तो यहाँ पर जो है 100 थी तो मैं इसको 50 यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको 50 मैंने इसको कर लिया है, उस पर राइट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा ये बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें लग चुका है। पहले मैंने इसको आपको चला करके दिखाया था तो नॉर्मल था, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं था मेरी वीडियो के अंदर। अब फिलहाल मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर दिया है। तो ऐड जैसे मैंने इसमें किया, अब मैं इस वीडियो को फिर से आपको चला करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करके आपको वीडियो को चला करके दिखाया, तो पहले से ज्यादा प्रोफेशनल यहाँ पर हमारी ये वीडियो बन चुकी है। अब जैसे कि हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि इसको जो है सेव करना है अपनी गैलरी के अंदर, उसको कैसे सेव करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, बड़ा था, इसको छोटा आप कैसे करेंगे, वीडियो के साइज का आप इसको कैसे करेंगे। इस बैकग्राउंड म्यूजिक के लेयर पर नीचे क्लिक करना है और उसके बाद में जो यहाँ पर आपको एक कैंची का ऑप्शन दिखेगा ट्रिम स्लिप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, राइट वाले पर करना है आपको। तो राइट पर क्लिक करते ही आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो इस तरह से छोटा हो जाएगा, वीडियो के साइज का हो जाएगा। अब इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है 720 पिक्सल में भी आप इसको कर सकते हो, 1080 पिक्सल में भी यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है इधर, इस शेयर के जो कि आपको एक एरो का निशान भी बता रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस वाले पेज पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1080 पिक्सल में ही आप इसको कर लीजिए, छोटी वीडियो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद में जो है ये जो इसका यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको हाई रहने दीजिएगा, हाई, उसके बाद में एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट होने लगी है, एक्सपोर्ट होने के बाद में हमारी गैलरी के अंदर ये वीडियो आ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि हमारी जो वीडियो होगी उसको हम इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर दिया है, एक्सपोर्ट भी देख सकते हो आप, यहाँ पर ये हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप तरह तरह के इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीके के। मैंने तो सिर्फ आपको एक ही करके दिखाया, लेकिन आप यहाँ पर जो है इसको और भी इसके अंदर लगा सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आपको यहाँ पर पसंद आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल मैंने आपको ऐड करके दिखाया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है इसको कैसे डाउनलोड करना है और बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होते हैं उनको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करेंगे और मुझसे कहेंगे कि भाई हमें विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर का लिंक दे दीजिए या हमें बता दीजिए किस तरह से होगा, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। उस तरीके से आप जो है अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को मोड एप्लीकेशन में जो है डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई भी वाटरमार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी तरह से जो है आप यहाँ पर अगर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप जो है मुझसे वहीं पर पूछ सकते हो, मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इन सभी जो है बैकग्राउंड म्यूजिक की, या मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड होता है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।